वेलकम टू देव एम टी आर। ये है 2023 की न्यूली लॉन्च KTM ड्यूक 390 का थर्ड जनरेशन E20 OD2 का नया मॉडल। दो कलर में कंपनी ने लॉन्च किया। पुराने वाले मॉडल से इस वाले मॉडल में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स इस बार इसमें ऐड किए हैं, माइलेज टॉप स्पीड क्या है और बाइक की नई ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है। बाइक के पहले सबसे बड़े बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो भाई नट बोल्ट को छोड़कर बाइक की जो पूरी बॉडी डिजाइन है वो चेंज हो चुकी है। बाकी ये खड़ी है भाई बगल में ड्यूक 250 का थर्ड जनरेशन न्यू वाला मॉडल, इसकी वीडियो कल मैं डाल दूंगा। बाइक की जो हेडलाइट है ना 390 की पूरी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर LED वाले इंडिकेटर दिए गए हैं जिसमें हैजार्ड भी आपको मिल जाता है। तो ये 390 है तो इसमें आपको साइड बाई साइड यहाँ पर आपको LED DRL आपको मिल जाते हैं जो सिर्फ 390 में मिलेंगे, ड्यूक 250 में नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर स्प्लिट LED हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलता है। सबसे पहले मैं इंजन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो बाइक की जो हेडलाइट है वो पुराने वाले मॉडल से देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ऊपर में जो लाइट आप देख रहे हैं ये लो बीम में है और नीचे में आपको हाई बीम का पूरा सेटअप मिल जाता है। अगर आप इसको पुरानी वाली से कंपेयर करोगे तो भाई ये जो हेडलाइट है वो प्रीवियस वाले मॉडल से देखने में काफ़ी ज़्यादा खास लग रही है। आगे वाला जो मडगार्ड आप देख रहे हैं ना ये भी डिजाइन के हिसाब से बदल दिया गया है। पुराने वाले का थोड़ा सा बड़ा था और यहाँ पर 110 mm का वाइट टायर दिया गया है जो कि काफ़ी चौड़ा है। 110/70R17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर है आगे और पीछे में। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर और 320 mm की बड़ी वाली डिस्क है। डिस्क की जो डिजाइन है वो भी चेंज हो चुकी है। इसमें 4 piston रेडियली माउंटेड कैलिपर का यहाँ पर यूज किया गया। बैब्रे के कैलिपर आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर 43 mm डायमीटर के अपसाइड डाउन USD फॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं पूरी तरह से। ऊपर से आप इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बाद में आपको दिखा दूंगा। बाकी ये जो काउल आप देख रहे हैं ना ये पूरा का पूरा पुरानी वाली ड्यूक से चेंज हो चुका है। यहाँ पर ड्यूक का बड़ा सा ग्राफिक्स है और यहाँ पर 390 जो है वो स्टिकर से लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑरेंज कलर के स्टिकर हैं और ये पूरा जो टैंक काउल है वो आपको ऑरेंज कलर में मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश में। अगर मैं आपको इसका पुराना वाला मॉडल दिखाऊं तो कुछ इस तरह का पेट्रोल टैंक आपको मिलता था, उसके भांति ये जो टैंक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो टैंक है वो मेटल बॉडी का है, 15 लीटर का बड़ा टैंक आपको मिल जाता है। E20 का अपडेट इसमें भी आ चुका है और ये जो टैंक है ना वो 1.5 लीटर की कैपेसिटी अब इसमें बढ़ चुकी है। जो चाबी है वो भी चेंज हो चुकी है KTM की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पर आपको वेव की मिल जाती है। एक चीज यहाँ पर अच्छी ये है कि भाई आगे वाले जो सस्पेंशन है ना KTM ड्यूक 390 के ये 5 click कंप्रेशन एंड रिबाउंड एडजस्टेबल मिल जाते हैं जिसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 5 inch की TFT कलर डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाती है जो कि टोटल न्यू है, पुराने वाले से टोटल अलग है एडवांस फीचर्स के साथ। ऊपर में टर्न इंडिकेटर, ABS, रियर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट और किलोमीटर पर आर और यहाँ पर स्पीड लिमिटर और यहाँ पर शिफ्ट टाइमिंग लाइट, चेक इंजन, एरर इंडिकेटर और यहाँ पर आपको घड़ी मिल जाती है और यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, ऑयल इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर दिया गया है फ्यूल गेज और RPM मीटर दिया गया है। यहाँ पर साइड स्टैंड की वार्निंग है, स्पीडोमीटर दिया गया है। यहाँ पर 4 आपको बटन मिलते हैं, स्विच भी चेंज हो चुके हैं जैसा कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर लॉन्च सबसे ऊपर में आपको टाइम लैप्स की जानकारी आपको दिखाई देगी, लैप 1 लैप 2। और नीचे में आता हूँ तो यहाँ पर आपको देखती है मोटरसाइकिल की जानकारी जिसमें राइड मोड आपको मिल जाते हैं बाइक में, जैसा कि यहाँ पर ट्रैक मोड आपको मिल जाता है और रेन मोड मिल जाता है, स्ट्रीट मोड मिल जाते हैं बाइक में। टोटल 3 मोड आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जो ABS है इसमें भी आपको रोड मोड मिल जाता है और साथ में आपको सुपर मोटो ABS वाला मोड मिल जाता है। तो ABS वाले भी 2 मोड मिलते हैं। MTC मतलब कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं और जो कि स्विचेबल है। यहाँ पर लॉन्च कंट्रोल भी आपको फीचर्स मिलता है जो पहले आपको नहीं मिलता था। नीचे में आते हैं तो यहाँ पर बाइक की इन्फॉर्मेशन है, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस की जानकारी देख सकते हैं। जैसा कि पहली सर्विस आपको 1000 किलोमीटर के आसपास करानी है। नीचे में वार्निंग की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदर की साइड में और लेकर चलता हूं तो यहां पर ट्रिप की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है और यहां पर फेवरेट वाला ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। यहां पर क्विक सिलेक्टर दिया गया, अप और डाउन करके आप इसको चला सकते हैं। कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। क्विक शिफ्टर भी आपको मिल जाता है जिसको आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और शिफ्ट लाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है जिसमें आप इसको भी लगभग 1000 किलोमीटर चलने के बाद ये काम करेगी। डेट टाइम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूनिट्स में जाते हैं तो डिस्टेंस, टेम्परेचर, कंजप्शन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी और लैंग्वेज को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको कॉल, लॉन्च कंट्रोल, ऑडियो, नेविगेशन, क्विक शिफ्टर प्लस, रिमोट कंट्रोल मोड वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर जो स्विच हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर पासिंग और हैजार्ड का भी बटन मिल जाता है। 4 बटन यहाँ पर आपको कंसोल को एडजस्ट करने के लिए मिलते हैं। हॉर्न सिंगल है। यहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो
इंजन कैल का बटन है ये भी पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अब इसके जो लीवर है ना, दोनों ही लीवर हैं, जो ब्रेक वाला और जो क्लच वाला है, ये एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी उंगलियों के हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके साउंड को सुनें। तो इस नई वाली ड्यूक 390 का साउंड अच्छा है या पुरानी वाली का अच्छा था कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS भी आपको मिल जाता है, जो मैं बताना भूल गया था। इसकी जो सीटें हैं ये भी चेंज हो चुकी हैं, प्रीमियम क्वालिटी की डुअल टोन फैब्रिक में सीट मिल जाती है, ऑरेंज कलर की आगे वाली है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा रबर का यूज किया गया, ये प्लास्टिक नहीं है। पिलियन वाली जो सीट है ये भी काफ़ी अच्छी कुशन के साथ है, इसमें भी डुअल टोन फैब्रिक आपको मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसकी जो सीट हाइट है वो लगभग 20 से 30 mm की कम हो चुकी है, 800 mm के आसपास इसमें अब सीट हाइट मिलती है। पहले इस बाइक में बोल्ट ऑन सब फ्रेम मिलता था और यहाँ पर अब कंपनी ने इसमें एल्यूमिनियम कास्टेड सब फ्रेम का इस्तेमाल किया गया, जो कि बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा दिया गया है। बाकी साइड की जो पैनल है यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैकनेस और मैरून कलर के स्टिकर आपको मिल जाते हैं। इसमें WP-APEX मोनोशॉक 10-स्टेप प्री लोड एडजस्टमेंट वाला नया शॉकर है, जो कि थोड़ा सा इधर कर दिया है। पहले आपको मिडिल सेंटर में आपको देखने को मिलता था, यहाँ पर अब आपको स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है, जो कि पहले वाले से नया है। और ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ना, ये टोटल नया एग्जॉस्ट का यूज किया गया, जो पुराने वाले मॉडल से थोड़ा सा अलग है। यहां पर कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया निचले वाले हिस्से में, यहां पर क्रैश गार्ड भी आपको मिल जाता है। बाकी ये जो प्लेसमेंट दिख रही है ना, ये कूलेंट वाला जो बॉक्स है वो इंजन के ऊपर वाले हिस्से में प्लेस किया गया, जो कि पहले यहाँ मिलता था। सबसे बड़ी बात भाई ये है कि अब इसमें 183 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है, जो पहले से 33 mm की ज़्यादा है। यहाँ पर LC4C सीरीज का थर्ड जनरेशन का नया KTM का इंजन है, जो पहले से पावरफुल है। इसमें 398cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSC-FI इंजन है, जो 46 PS की पावर देता है, 39 Nm का टॉर्क देता है। पहले से जो पावर है वो 2 PS की और 2 Nm की ज्यादा हो चुकी है। ये जो स्प्लिट ट्रेलिस वाला फ्रेम आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये भी एक नया चेसी है। यहाँ पर जो फुटपैक्स हैं वो थोड़े से पीछे और ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। बाकी एग्जॉस्ट का जो पोर्शन है वो सेंटर में इसको प्लेस किया गया है। और ये है भाई इसका एडजस्टेबल फुटपैक्स, 240 mm की डिस्क आपको मिलती है, जिसमें पीछे में फ्लोटिंग कैलिपर, यहाँ पर ABS की प्लेट है। ये जो एल्यूमिनियम का बनाना वाला स्विंगार में, ये भी थोड़ा सा डिजाइन के हिसाब से चेंज हो चुका है। 150/60/8/17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है, 150 mm इसकी चौड़ाई है, जो कि टायर का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज है। 70 इंच का पीछे में एलॉय है न्यू डिजाइन के साथ। यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा स्पेस दिया गया है। ऊपर में जो ग्रैब हैंडल आप देख रहे हैं, ये स्प्लिट में आपको मिलते हैं। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इससे इसकी जो टेल लाइट है वो थोड़ी सी प्रोटेक्ट रहेगी। और पीछे वाली जो टेल लाइट है वो चेंज हो चुकी है, थोड़ी सी टी शेप में LED वाली टेल लाइट मिलती है, LED वाले विंकर्स मिल जाते हैं। और ये जो मडगार्ड है ना, ये पुराने वाले से काफी अच्छा लग रहा है, भरा भरा सा लग रहा है। और बाइक देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। बाइक का जो व्हील बेस है वो है 1354 mm का, और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी पुराने वाले मॉडल से कम लग रही है, 163.5 kg की ये बाइक है, जो कि पहले से वजनी हो चुकी है। और यहाँ पर आपको एक साइड गार्ड भी मिल जाता है, ओपन चेनसेट कवर दिया गया है। और ये है भाई इसका एल्यूमिनियम वाला बनाना वाला स्विंग आर्म। गियर की तरफ आते हैं तो बाइक के ये फुटपैक्स हैं, जो कि फोल्डेबल हैं। इसमें 6-स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाता है, स्लीपर क्लच भी आपको मिल जाएगा, मैन स्टैंड आपको नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड इंजन गडअप सेंसर आपको मिल जाएगा। बाकी टोटल नया इंजन है, जो कि प्रीवियस वाले मॉडल से ज़्यादा पावरफुल है। CC भी बढ़ चुकी है, RPM भी थोड़े से बढ़ चुके हैं। तो अब बढ़ी हुई प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो KTM ड्यूक 390 की जो नई वाली की एक्सशोरूम कीमत है वो है 3,10,909 रुपये, और इसकी फाइनल कंप्लीट ऑन रोड प्राइस है 3,69,603 रुपीज़, 3,69,603 रुपये, जो कि पुराने वाले मॉडल से 12,000 से 14,000 रुपये महंगी हो चुकी है। लेकिन फीचर भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और ड्यूक 250 की जो एक्सशोरूम कीमत है नई वाली की, वो है 2,39,193 रुपये, ऑन रोड कीमत है 2,79,827 रुपीज़, 2,79,827 रुपये इस वाली की। और ड्यूक 125 की ऑन रोड है 2,06,420 रुपये, और ड्यूक 200 की ऑन रोड है 2,32,286 रुपये। अगर आप कोलकाता हावड़ा हुगली आसपास से हैं और KTM की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं या टेस्ट राइड लेना चाहते हैं, तो KTM BIP रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी बाइक